तो गाइस हर एक नए यूट्यूबर की यही प्रॉब्लम होती है कि उसकी वीडियो पर व्यूज बिल्कुल नहीं आते। जब भी वो वीडियो अपलोड करता है तो 10 20 50 व्यूज भी नहीं आते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। तो गाइस आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। तो गाइस प्रॉब्लम ये है कि आजकल यूट्यूब पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो गया, यानी कि हर एक बंदा यूट्यूबर है, हर एक बंदा वीडियो अपलोड कर रहा है, लेकिन हर किसी के वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो गाइस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें व्यूज लाने के लिए अपनी वीडियो को रैंक कराना पड़ेगा। अगर हम वीडियो रैंक करा लेते हैं, हमारी वीडियो लोगों के सामने पहुंचती है, तो उस पर ऑटोमेटिक व्यूज आ जाते हैं। तो गाइस ये सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि हर एक बंदा अपनी वीडियो रैंक नहीं करा सकता। रैंक कराने के लिए हमें अलग अलग तरीके का यूज करना चाहिए, अलग अलग तरीके के ट्रिक यूज करना चाहिए, अलग अलग टैग यूज करना चाहिए, अलग अलग प्रकार से एसईओ करना चाहिए, क्योंकि हर एक तरीका अगर हम यूज करेंगे तो क्या पता कौन सा तरीका हमारा सही बैठ जाए और किस तरीके से हमारी वीडियो आगे चले जाए, रैंक कर जाए, वायरल हो जाए, व्यूज आ जाए। तो हमें हर एक तरीके का यूज करना चाहिए, कोई भी तरीका बेकार नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा शॉर्ट टैग और पेरी शॉर्ट टैग के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से हम शॉर्ट टैग बना सकते हैं, किस तरीके से हम शॉर्ट टैग काम करते हैं, और पूरी डिटेल आपको मैं समझाऊंगा। और जो भी इस वीडियो को स्किप करके देखेगा तो उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहां से मैं दो सीरीज स्टार्ट करूंगा। एक सीरीज होगी हमारी लॉन्ग टैग की और एक सीरीज होगी शॉर्ट टैग और वेरी शॉर्ट टैग की, वो नेक्स्ट सीरीज होगी। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि उनको किस तरीके से लगाना चाहिए, किस तरीके से उनका एसईओ करना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो टैग काम कर रहे थे वो सारे टैग यानी कि शॉर्ट टैग ज्यादा काम कर रहे थे और लॉन्ग टैग भी काम कर रहे थे, यानी कि कई प्रकार से हमारे जो टैग होते हैं वो रैंक करते हैं, जब रैंक करेंगे तो हमारी वीडियो व्यूज आएंगे। और गाइस एक बात और बताता हूं आपको कि आपको लगता है कि आपकी वीडियो अगर सर्च में जाएगी तभी आपकी वीडियो व्यूज आएंगे, ये बहुत ज्यादा सरासर गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि क्या होता है कि आपकी वीडियो अगर आपने टैग सही लगाए हैं, अगर वो टैग रैंक कर रहे हैं, तो ये मैटर नहीं है कि आपकी वीडियो वहां सर्च में जाएगी। मैटर क्या होता है कि कोई भी उस वीडियो को यानी कि आपने जो वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखता है तो उसके नीचे सजेशन में जा सकती है। अगर आपके टैग उस वीडियो से रिलेटेड लगे हैं और टैग आपकी रैंक कर रहे हैं तो वहां से क्या होगा कि सजेशन में नीचे जा सकती है वीडियो। अब बात करते हैं कि कोई भी वीडियो अगर आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर कई सारे आप वीडियो देखते हैं, जैसे आपने एक टॉपिक पर वीडियो देख ली कैसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करें, तो आप एक वीडियो देखेंगे, दो वीडियो देखेंगे, तो उससे रिलेटेड वीडियो आने लगेगी आपके ब्राउज़ फ्यूचर में। वो सारा काम होता है हमारे टैग का, जब हमारे टैग सही तरीके से रैंक करते हैं तो हमारी वीडियो यानी कि उससे रिलेटेड वीडियो में पहुंच जाती है, ना कि हमारे सर्च में, वो रिलेटेड वीडियो में पहुंचती है, उसी वजह से हमारे वीडियो पर व्यूज आते हैं। और एक बार आपकी वीडियो रैंक करने लगे, एक बार आपकी वीडियो व्यूज आने लगे, तो आपके हमेशा व्यूज आने लगे, क्योंकि उसी के हिसाब से एक वीडियो हमारी रैंक कर जाती है तो उसके हिसाब से सारी वीडियो हमारी रैंक करने लगती है, क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है वो इसी तरीके से काम करता है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना, मैं एक एक चीज आपको पॉइंट क्लियर करूंगा कि शॉर्ट टैग किस तरीके से काम करते हैं। और गाइस नीचे आपको एक कमेंट कर देना है, जिसका भी नाम रैंडम पिकर से आएगा, उसकी वीडियो को मैं अपनी कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगा, जिससे उसको थोड़ा बहुत व्यूज, थोड़ा बहुत सब्सक्राइबर, थोड़ा बहुत वॉच टाइम मिल जाएगा। तो नीचे आपको एक कमेंट जरूर करना है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ये शॉर्ट टैग होते हैं, वेरी शॉर्ट टैग होते हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आपने एक टाइटल देखा होगा, एक कीवर्ड देखा होगा लॉन्ग कीवर्ड, तो उसमें लॉन्ग कीवर्ड में कई सारे छोटे 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 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करें, हाउ टू कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर, तो इसमें क्या हो गया, हाउ हो गया, टू हो गया, कंप्लीट हो गया, 1000 हो गया, सब्सक्राइबर हो गया, इन हिंदी हो गया, 2020 हो गया, न्यू ट्रिक हो गया, न्यू वीडियो हो गया, ये क्या होते हैं, ये हमारे शॉर्ट टैग होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हर एक कीवर्ड में इनका यूज किया जा सकता है, हर एक कीवर्ड में इनका यूज होता है, क्योंकि जो यूट्यूब का सिस्टम होता है उसमें ये टैग पहले से ही सेव रहते हैं। और इस टैग पे अगर आपकी वीडियो रैंक कर जाती है तो आपकी वीडियो बहुत ज्यादा व्यूज आ सकता है, क्योंकि ये जो वेरी शॉर्ट टैग होते हैं इन्हीं से मिलकर हमारा पूरा टाइटल बनता है, पूरा हमारा जो कीवर्ड होता है वो बनता है। तो आपको एक बार समझना पड़ेगा ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती है कि आपको मैंने शॉर्ट टैग बता दी तो आप इस तरीके से यूज कर लेंगे, इस तरीके से वीडियो रैंक नहीं करेगी, उसको लगाने का तरीका भी हमें आना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसके बाद एक मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें बहुत अच्छी तरीके से बता दूंगा किस तरीके से हमको लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उल्टा सीधा लगा देते हैं तो हमारी वीडियो व्यूज नहीं आएंगे। तो ये तो वेरी शॉर्ट टैग की बात हो गई, क्योंकि हर एक कैटेगरी में, चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे वो गेमिंग का हो, चाहे वो ब्लॉगिंग का हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, वो किसी ना किसी कैटेगरी में यानी कि अलग अलग प्रकार के हमारे टैग होते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, उस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से वेरी शॉर्ट टैग होते हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टैग की, कि ये शॉर्ट टैग क्यों होते हैं। तो शॉर्ट टैग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे होता है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट, तो ये हमारा हो गया शॉर्ट टैग, हाउ टू कंप्लीट ये हमारा हो गया शॉर्ट टैग, यानी अलग अलग प्रकार से क्या होता है कि आपने अगर शॉर्ट टैग लगा दिया अपनी वीडियो में तो उसके बाद का जो कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ऐसा होता है यूट्यूब के एल्गोरिथम में, ये शॉर्ट टैग और वेरी शॉर्ट टैग ये पहले से सेव होते हैं। जब हम अपनी वीडियो में शॉर्ट टैग लगाते हैं तो कोई बंदा अगर उस चीज को सर्च कर लेता है तो उसके नीचे कोई कीवर्ड आ जाता है, उसके नीचे कोई कीवर्ड आ जाता है, यानी कि वो पूरा लॉन्ग टैग बन जाता है। अगर उस पर कोई बंदा क्लिक करता है, और ज्यादातर बंदे 90% बंदे होते हैं वो नीचे जो ऑटो करेक्टर आ जाता है, ऑटो लिखा हुआ आ जाता है, उसी को क्लिक करके अपनी वीडियो सर्च कर लेते हैं। अब यहां पर क्या होगा, आपने अगर शॉर्ट टैग लगाया अपनी वीडियो में तो एक शॉर्ट टैग की वजह से आपकी वीडियो रैंक करी जाएगी, और जो लॉन्ग टैग
लगाओ, लॉन्ग टैग भी लगाना अपनी वीडियो को, पूरा कंप्लीट आपको समझाऊंगा। तो लॉन्ग टैग की वजह से आपकी वीडियो रैंक करी जाएगी। तो इस हिसाब से यानी कि बहुत ज्यादा एल्गोरिथम को हमको समझ के काम करना पड़ेगा। किसी किसी बंदे का थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये इसी प्रकार से काम करता है। शॉर्ट टैग, वेरी शॉर्ट टैग, लॉन्ग टैग, वेरी लॉन्ग टैग, ये चार प्रकार के टैग होते हैं, ये इसी प्रकार से काम करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं से हमारे जो वीडियो होती है इसी प्रकार से रैंक करती है। और आपको कैसे करके जो शॉर्ट टैग होते हैं उनको फाइंड करना है, आपको क्या करना है, जो लॉन्ग टैग होता है, पूरा वेरी लॉन्ग टैग होता है, उसमें से जो मेन पार्ट होता है, जो आपकी वीडियो का मेन टॉपिक है, जैसे कोई बंदा लगा देता है इन हिंदी 2020 न्यू ट्रिक, ये आगे जाके ये लॉन्ग टैग हो जाते हैं। जो शॉर्ट टैग होते हैं यानी कि उनके यानी कि दो तीन कीवर्ड लगे हुए होते हैं, हाउ टू ग्रो हो गया, और चैनल हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, ये होते हैं यानी कि दो तीन कीवर्ड इसमें होते हैं, उन्हीं को कहते हैं शॉर्ट टैग। तो इस तरीके से हम शॉर्ट टैग फाइंड कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से। ये नहीं कि आप लॉन्ग टैग का यूज ना करो, लॉन्ग टैग का यूज करो, शॉर्ट टैग का यूज करो, वेरी शॉर्ट टैग का यूज करो और वेरी लॉन्ग टैग का यूज करो, यानी कि चारों प्रकार के टैग हमें यूज करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसको फाइंड कैसे करेंगे। तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर कुछ टैग आ जाते, तो उसमें से कुछ शॉर्ट टैग भी आपको मिल जाएंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से। जो भी आप वीडियो बनाए, किसी भी टॉपिक में वीडियो क्रिएट करते हैं, तो उस टॉपिक को आपको थोड़ा सा वहां पर सर्च कर देना है, तो उस हिसाब से वहां पर जो कीवर्ड होंगे, वो टैग होंगे, वो वहां पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब आप उसमें से यानी कि टैग छाड़ सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे टैग के रूप में आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लगाना भी आना चाहिए। लगाने के लिए मैं भी एक वीडियो बना रहा हूं, वो बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको पूरा कंप्लीट देख लेना, तब आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरीके से लगाना चाहिए। तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि शॉर्ट टैग क्या होते हैं और वेरी शॉर्ट टैग क्या होते हैं। ये दो प्रकार के टैग होते हैं, ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वीडियो को रैंक कराने के लिए, और इन्हीं का ज्यादातर यूज किया जाता है। अगर आप इनका सही तरीके से यूज कर लेते हैं और ये एक बार रैंक कर गए आपके, तो आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। मैंने प्रूफ दिखाया था पिछली वाली वीडियो में, मैंने आपको दिखाया था कि ये टैग काम कर रहे थे, कोई शॉर्ट टैग काम कर रहा था, कोई वेरी शॉर्ट टैग काम कर रहा था, कोई लॉन्ग टैग काम कर रहा था, कोई वेरी लॉन्ग टैग काम कर रहा था। तो आई होप गाइस ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसको पूरा कंप्लीट देख लेना, तो वेरी शॉर्ट और टैग के बारे में सारा सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा, और वो किस तरीके से लगाना, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा किस तरीके से उसको हम एसईओ कर सकते हैं, उसको किस तरीके से यानी कि हम फिट कर सकते हैं, ताकि जो YouTube का एल्गोरिथम है वो उन टैग को पहचान पाए और उन टैग को रैंक करा सके। तो इस तरीके से आपको मैं पूरा कंप्लीट समझाने वाला हूं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, उसके बाद वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूं। अगर आपका दिल करे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो देख के काम चला सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।